अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। इस वीकेंड हम बहुत बोर हो रहे थे घर में बैठे, तो हमने सोचा कि हम दुबई मॉल आ जाएं। इन्होंने ये न्यू टाउन बनाया है, इसका नाम है चाइना टाउन, जो बहुत प्यारा है। ये सब कुछ इसकी पूरी लैंग्वेज चाइनीज़ में लिखी है, बहुत प्यारा था ये। और आगे लाइट्स लगी हैं, जैसे कि कैंडल्स को लाइट अप किए हमने, बहुत प्यारा था वो। मुझे सबसे अच्छा पार्ट वो अच्छा लगे जहाँ पर इन्होंने ट्री पिंक की है, क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट कलर है। और यहाँ पर इनकी ओवर 2000 कलेक्शन है टेडी बेयर्स की, विच इज़ फैंटास्टिक। मेरे पिंक वाला बहुत अच्छा लगा था। इधर इन्होंने लिखा था आई लव दुबई। और ये है एक वाटरफॉल जो छानी था, और यहाँ पर ये लोग स्केटिंग कर रहे हैं, स्केटिंग और डांसिंग। मुझे तो स्केट भी नहीं किया जाता, पता नहीं लोग ये लोग स्केटिंग और डांसिंग कैसे कर रहे हैं यहाँ। और उसके बाद फिर हम गए थे कैंडी शॉप, जहाँ पर उन्होंने मुझे कैंडी दी और मैंने खाई, बहुत मज़े की थी, लेकिन दांत पे बहुत लग रही थी। यहाँ पर डोनट था और मैंने अपने सर पे डाल दिया, जैसे कि स्नैपचैट फिल्टर्स में होता है, जो बहुत बहुत अच्छा था। इन्होंने एक कैंडी फ्लॉस की मशीन भी थी, लेकिन वो बंद हो गई थी क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, इसलिए टाइम बहुत लेट हो गया था। यहाँ पर हम अपना खुद का टेडी बेयर बना सकते हैं। मैं अपने आपे से पूछ रही थी कि खुद का टेडी बेयर बना सकते हैं, मेरी आपे कह रही थी हाँ, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता, तो मैंने स्किप कर लिया इसको। और इसकी जो मतलब सारे जो है ना डेकोरेशन वगैरह, वो बहुत प्यारे थे। आई वुड रेटेड 9.5 out of 10। यहाँ पर इन्होंने कॉइन्स रखे थे, चॉकलेट कॉइन्स। साथ किसी ने अपना फ़ैन भी छोड़ दिया, पिकाचू वाला, शायद फ़ैन था या पता नहीं क्या था। आगे सारी चॉकलेट की कलेक्शन है, और मैंने अपनी एक फेवरेट चॉकलेट ले ली। यहाँ पर डॉल्स हैं, और मेरी सबसे फेवरेट वाली डॉल ब्लू कलर की है, क्योंकि ब्लू मेरा फेवरेट कलर भी है। ब्लू और पिंक दोनों ही मेरे फेवरेट कलर, लेकिन पिंक के बाल बहुत रफ थे, इसलिए वो नहीं। और यहाँ पर पता नहीं क्या चीज़ है जो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। मैंने इसको टच किया और उसकी स्किन बहुत स्मूथ थी। यहाँ पर ये डायनासोर है, मैंने कहा चलो ये भी देख लेते हैं, पहली दफ़ा देख रही हूँ मैं। ये इतना लंबा डायनासोर है, ये 155 million ओल्ड है, और इसको डिस्कवर हुआ था, ये डिस्कवर किया था आर्कियोलॉजिस्ट ने, ये डिस्कवर किया था 2008 में यूएसए और वाइमिंग में, पता नहीं क्या होता है ये कंट्री, इसका नाम नहीं पता मुझे। उसका मुंह बहुत छोटा था और उसकी टेल बहुत लंबी। यहाँ पर एक्वेरियम है, हमने सोचा कि हम एक्वेरियम जाएं इसके बाद। और ये दुबई मॉल में ही है, मुझे लगा कि कोई मरमेड आएगी, लेकिन नहीं आई। और यहाँ पर मेरा बहुत दिल कर रहा था, हमने खाना खाया था, केएफसी खाई थी हमने, तो उसके बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं आइसक्रीम खाऊं गुडीवा की, तो हम लोग आए हैं गुडीवा। यहाँ पर पानी था और उनके साथ कोई डक्स थी, लेकिन रियल डक्स नहीं थी, वो डक्स के अंदर हमें बिठा के पानी के अंदर छोड़ देते हैं। गुडीवा की आइसक्रीम मैंने फ़्लेवर लिया था मिक्स चॉकलेट एंड वनीला, बहुत मज़े की थी, लेकिन मेल्ट बहुत तेज़ हो रही थी। ये हम आए हैं सिटी वॉक, और यहाँ पर सारी लाइट्स थी, कुछ अच्छा नहीं था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा इधर। कोई सारे ग्रोन अप्स थे, कोई किड नहीं था, और शॉप्स से भी बहुत कम थे, ये लाइट्स ही थी, लाइट्स शॉप्स कुछ भी नहीं, ना ही कोई प्लेग्राउंड था, ये बहुत बोरिंग था। ये भी दुबई मॉल के पास नहीं है, मतलब आधा घंटा दूर है। और ये पता नहीं क्या है, ये कोई मॉल टाइप है जहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे थे। बस यही, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।